कभी यूपी की सियासत में मायावती की तूती बोला करती थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती अब सियासत से गायब होती नजर आ रही हैं? इतना ही नहीं, बल्कि अब उनका कोई जादू चलता नजर नहीं आ रहा जो एक समय में बखूबी देखने को मिलता था। आज हम इसकी पूरी वजह आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में अब मायावती पूरी तरह सिमटती जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 403 सीटों में से महज एक सीट पर सिमटने वाली पार्टी बसपा फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी समीकरण में गायब दिख रही हैं, जबकि बीएसपी मुखिया मायावती गौतम बुद्ध नगर के गांव बादलपुर से निकलकर सियासत में नए रिकॉर्ड बना चुकी हैं। यूपी की पहली दलित और सबसे युवा और सबसे ज्यादा बार सीएम बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। लेकिन मौजूदा वक्त में मायावती और उनकी सियासत हाशिए पर नजर आ रही है, तो वहीं यूपी की सियासत का अहम केंद्र रही बसपा और उसकी सुप्रीमो मायावती का अब सियासी दायरा सिमटता जा रहा है। खुद मायावती बीते 8 साल से किसी सदन की सदस्य नहीं है। सहारनपुर में हुई जाति हिंसा को उठाते हुए उन्होंने 18 जुलाई 2017 में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2019 लोकसभा, 2022 के विधानसभा, अन्य MLC और राज्यसभा के चुनाव रहे हों या फिर अब होने जा रहे लोकसभा चुनाव, वे किसी चुनाव में मैदान में नहीं उतरी। गौतम बुद्ध नगर जिले के गाँव बादलपुर में जन्मी मायावती ने सियासत में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें यूपी की सबसे युवा और पहली दलित मुख्यमंत्री के अलावा सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। दरअसल 14 अप्रैल 1984 को बसपा का गठन हुआ, लेकिन मायावती के सियासी सफर की शुरुआत वेस्ट यूपी से हुई। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में कैराना सीट से लड़ा, हार गई। 1985 में बिजनौर लोकसभा सीट से मायावती ने उपचुनाव लड़ा, लेकिन वो फिर भी हार गई। 1987 में हरिद्वार से उपचुनाव लड़कर भी मायावती हार गई। मायावती को पहली जीत 1989 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर से मिली और सांसद बन गई। 1996 और 2002 में वे सहारनपुर की हरोड़ा विधानसभा सीट से विधायक बनी और मुख्यमंत्री बनी। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में बसपा का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। मायावती भले ही ये कहें कि गठबंधन से उनकी पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा बसपा को ही हुआ था। 1996 में बसपा 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी, तब बसपा को 20.6% वोट मिला था। इसी तरीके से 1998 में बसपा को 4 सीटें मिली, वोट प्रतिशत बढ़कर 20.9% हो गया। 1999 में बसपा को 14 सीटें मिली, वोट प्रतिशत 22.8% हो गया। 2004 की बात करें तो 2004 में 19 सीटें मायावती की हो गई, बसपा की हो गई, और 24.67% वोट मिला। बसपा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2009 में किया, जब पार्टी को 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और 27.42% वोट मिला। लेकिन 2014 के बाद मायावती का सबसे बुरा दौर रहा, क्योंकि 2014 से पार्टी की स्थिति लगातार बदलती चली गई। 20 सांसदों वाली बसपा 2014 में एक भी सांसद नहीं जिता सकी, वोट प्रतिशत भी 8% गिरकर 19.77% रह गया। 1996 के बाद बसपा का ये सबसे बुरा प्रदर्शन था। साल 2019 में बसपा ने सपा से गठबंधन किया, जिससे उसे फायदा हुआ था। 0 सीटों वाली बसपा ने यूपी में 10 सीट जीत ली थी। इस चुनाव में बसपा को सपा के साथ गठबंधन कर 19.43% वोट मिला। इन 10 में वेस्ट यूपी की 4 सीट सहारनपुर, नगीना, अमरोहा और बिजनौर सीट जीती थी। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में 2 नंबर पर मायावती रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले मैदान में उतरी और उन्हें सिर्फ 12.88% वोट मिले और मायावती 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। यानी बसपा का जनाधार पूरी तरीके से खत्म सा हो गया है। फिलहाल मुद्दों की राजनीति करने वाली और अपने स्प्रिट डिसीजंस के लिए जानी जाने वाली मायावती लंबे वक्त से ग्राउंड कनेक्ट से काफी दूर हो गई हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में राजनीति की धारा बदल चुकी है और ऐसे में जहां ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, वहां अकेले चलने की बजाय किसी के साथ खड़े होने में मायावती को फायदा होता। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया,
कि मायावती ने जब से राजनीति में अकेले चलने की शुरुआत की उन्हें हार का सामना ही करना पड़ा और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो वो एकला चलो की नीति को अपना रही है जिससे कोई लाभ नहीं होगा। पर यह बात सच है कि आज के चुनावी मैदान में मायावती कहीं भी खड़ी नहीं दिख रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा प्रमुख मायावती ना तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करती नजर आ रही हैं और न ही बीजेपी सरकार को घेरती दिख रही है। बसपा प्रमुख अपनी पार्टी कैडर और सूबे की आवाम के साथ संवाद भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और माना जा रहा है कि एक ये भी वजह है जो मायावती उत्तर प्रदेश की सियासी चर्चाओं से बाहर होती जा रही हैं और अब धीरे धीरे मायावती की पार्टी का पतन होता जा रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।